राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले तीन सातीर बदमाशों को पिलानी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिलानी पुलिस ने आज राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बंद गोदामों के शटर तोड़कर अनाज चोरी करने वाले तीन आदतन व सातीर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पिलानी सीआई इंद्र प्रकाश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 3 अक्टूबर को पीपली निवासी प्रीतम जाट ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी उचित मूल्य की दुकान से अनाज चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। दुकानदार की सूझबूझ व सजगता से चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया था तथा अपना वाहन वहीं छोड़कर वो भाग खड़े हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की हरियाणा के कई इलाकों में तलाश की। इसी दौरान आरोपी संजय पुत्र रामचंद्र निवासी डिगरोता, संजय उर्फ संदीप पुत्र शिव नारायण निवासी सतनाली तथा पवन उर्फ भालू निवासी कहाड़ी को हरियाणा के सतनाली से दस्तयाब किया। पूछताछ के दौरान उक्त आरोपियों ने सूरजगढ़ में 1 अक्टूबर को अनाज गोदाम से हुई चोरी की वारदात को भी कबूल किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त तीनों आरोपी सातीर व बदमाश प्रवृत्ति के आदतन अपराधी हैं, जिनसे चोरी व नकबजनी सहित कई वारदातों के खुलने की संभावना है।